दोस्तों वैसे तो राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज के बारे में, यानी कि कौन है आरआर की टीम का मोस्ट पावरफुल बैट्समैन। तो बहुत ही मजेदार यह वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को देखते रहना बिल्कुल लास्ट तक। और अगर आप भी हो टीम राजस्थान रॉयल्स के फैन, आरआर की टीम को अच्छी टीम मानते हो, तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले समय में आपको राजस्थान रॉयल्स तथा आईपीएल से जुड़ी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईपीएल 2019 के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक अच्छी खासी स्क्वाड तैयार कर ली है, जिसके बाद इनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स की एक काफी अच्छी कोर तैयार हो चुके हैं, जहां पर इनके पास यंगेस्ट प्लेयर भी काफी अच्छे और साथ ही साथ अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चयन करने वाले हैं उस खिलाड़ी के बारे में जो कि इस स्क्वाड का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में स्टीवन स्मिथ हैं, संजू सैमसन है, जॉस बटलर आते हैं, बेन स्टोक्स हैं, अभी ऑक्शन में इन्होंने डेविड मिलर को खरीदा था, उसके बाद यशस्वी जायसवाल है, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है वो राजस्थान रॉयल्स का सबसे खतरनाक बल्लेबाज। तो फ्रेंड्स यहां पर हम आपको बता दें, अगर सबसे पहले हम डिस्कस करें इंडियन पावरफुल बैट्समैन के बारे में, तो ये है संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन जो है वो राजस्थान के स्क्वाड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज में से एक है, अगर इंडियन प्लेयर्स की बात की जाए तो यहां पर संजू सैमसन जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है। और अगर पूरे राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में से बात की जाए तो यहां पर मेरे अंदाजे से जॉस बटलर काफी खतरनाक बल्लेबाज है, हालांकि चयन करना काफी मुश्किल है क्योंकि इनके पास स्टीवन स्मिथ भी है। लेकिन दोस्तों मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड के सबसे पावरफुल बैट्समैन है। दोस्तों आपको क्या लगता है, जॉस बटलर काफी खतरनाक बल्लेबाज है या फिर स्टीवन स्मिथ? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर देना। और दोस्तों आपको बता दें, इनके स्क्वाड में बेन स्टोक्स का भी नाम है, लेकिन आईपीएल में बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस कुछ उस प्रकार का नहीं रहता है, इसलिए मैंने बेन स्टोक्स को इस टीम के खतरनाक बल्लेबाजों की लिस्ट में नहीं रखी है। साथ ही साथ आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल भी है इस स्क्वाड में, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी हाल ही में आईपीएल में अब अपना ओपनिंग करेंगे आईपीएल 2020 में, तो ऐसे में इस लिस्ट में मैंने यशस्वी जायसवाल को भी नहीं रखा है। उसके बाद बात कर ले डेविड मिलर की, तो डेविड मिलर जो कि पहले साउथ अफ्रीका की टीम के काफी खतरनाक बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन अब वह राजस्थान रॉयल्स की टीम में आ चुके हैं और साउथ अफ्रीका की टीम में उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहता है, शायद इसीलिए केएक्सआईपी की टीम ने इनको अपनी टीम से रिलीज कर दिया था, तो ऐसे में मैंने इस लिस्ट में डेविड मिलर को इसलिए नहीं रखा है। तो दोस्तों अगर ऑल ओवर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, एक है जॉस बटलर जिनको कि मैंने पहले नंबर पर रखा है और दूसरे नंबर पर है संजू सैमसन। तो दोस्तों आपके अंदाजे से कौन है राजस्थान रॉयल्स का मोस्ट पावरफुल बैट्समैन, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर देना। और अगर आप भी हो टीम राजस्थान रॉयल्स के फैन तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ला, क्योंकि इस चैनल पर मैं राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को जरूर एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।